एस एस सी के एग्जाम में अभी लगभग दो महीने हैं बाकी और टेस्ट बुक आपको दे रहा है सी में सफलता की चाबी सी की डेली क्लासेस की सच चुकी है झाँकी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत कराएंगे ताकि एग्जाम में कोई कसर ना रह जाए बाकी सुबह साढ़े दस बजे मैं बढ़ाऊंगा आपका सामान्य ज्ञान और लेकर आऊंगा जीके की क्लास अब ना सताएगा मैथ्स के सवालों का डर क्योंकि सुबह साढ़े ग्यारह बजे मैथ्स की क्लास लेके आऊंगी मैं रीजनिंग के हर प्रॉब्लम का तोड़ बताऊंगा मैं दोपहर साढ़े बारह बजे अब इंग्लिश में आएंगे पूरे नंबर क्योंकि मैं यानी कि अनन्या सिंह लेकर आ रही हूँ आपके लिए एसएससी एस 2022 के लिए मॉक टेस्ट हर दिन ओनली एट थ्री पी तो आज ही क्लास अटेंड कीजिए क्योंकि अब वक्त सोचने का नहीं बल्कि लाइव क्लास में आकर के प्रिपरेशन करने का और आगे बढ़ने का है और सरकारी नौकरी के अपने सपने को पूरा करने का है

सब एकदम चकाचक सब एकदम क्लियर बढ़िया प्लीज लेट मी नो एवरी वन फाइन एकदम बढ़िया है हम आप लोग कैसे हो और सब कुछ अगर क्लियर है तो आपको क्या करना है पता है ना सेशन को शेयर करके आना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ प्लस सेशन को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दे रही है ठीक सो जस्ट गिव मी मोमेंट बस हम गए और सेशन को शेयर करके आए टेलीग्राम पे आप भी जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर आ पाए और आप एक्चुअली ये देख पाओ कि एक्चुअल लेवल क्या होने वाला है एग्जामिनेशन का और एक्चुअल कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है ठीक चलिए जितने ज्यादा लोग हैं आप लोगों का उतना ही फायदा है इस सेशन को ज्वाइन करेगा ठीक है ना चलिए okay. ऑल राइट ऑल राइट चलिए सब कुछ क्लियर है फैंटास्टिक सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड सेशन को शुरू करें फिर इसी बात पे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन चलिए ऑल राइट पीपल सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने की आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस इस सेशन का सॉल्व पीडीएफ आपको मिलने वाला है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स बुक ठीक है ना यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग के लिए भी यहां पे ग्रुप बना हुआ है आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो गाइस ठीक है ना इसी ग्रुप के थ्रू प्लस पोल्स ठीक डिफरेंट चीजों के लिए आपको पोस्ट भी मिलते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए सॉल्व पीडीएफ सारे नोटिफिकेशन आपको क्लासेस के यहीं पर मिलेंगे ठीक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है आपका सीजियल दो का फाउंडेशन बैच इस बैच में प्रिपरेशन होगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है लाइव क्लासेस की हेल्प से प्रैक्टिस सेट्स लाइव क्लासेस के बाद जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं जिससे आपका जो चीज होती है ना जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम हंड्रेड परसेंट हो जाता है टेस्ट मिलते हैं ये मॉक टेस्ट होते हैं और नोट्स भी कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ये सीजीएल का बैच के थ्री ट्रिपल नाइन का है और इसके साथ साथ ए ट्वेंटी कोड अगर आप यूज करोगे तो थर्टी सेवन परसेंट का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप पेमेंट कर रहे हो मास्टर क्लास देखने के बाद बिना मास्टर क्लास देखे पेमेंट कर रहे हो तो आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपको हमेशा मिलता है ठीक दूसरी चीज है आज का पहला सवाल तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपनी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सेशन को लाइक करके फिर मुझे पहले क्वेश्चन का जरा आंसर तो बताइए कि आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर लेट्स सी कल के मैं सारे पीडीएफ आज दे दूंगी यस निधि आई रियलाइज्ड कि मैं कल पीडीएफ शेयर करना ही भूल गई आज मैं पीडीएफ दे दूंगी आई वाज वेरी टायर्ड रात में तो मैं सेशन के जस्ट बाद मैंने बंद किया एंड आई वेंट टू स्लीप बताइए आंसर एवरीबॉडी कम ऑन देखू जरा किसका आंसर आता है यहां पे ए होना चाहिए अच्छा चलो सी सेट टू हिम वाइल्ड आई वॉज कुकिंग यू वर्क वर्किंग वाइल आई वॉज कुकिंग यू वर वर्किंग बताइए पहली चीज तो ओके okay. सेड किस में चेंज हो जाएगा टोल्ड में चेंज हो जाएगा इतना तो आपको पता ही है ठीक है ना पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज है गाइज पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज है टाइम क्लॉज में इसलिए टेंस चेंज यहां पर नहीं होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज है टाइम क्लॉज में इसलिए यहां पे टेंस चेंज नहीं होगा टाइम क्लॉज का मतलब है वाइल सेम टाइम पे चीजें हो रही हैं वो भी पास्ट टेंस में ऐसे केस में समझ में आया बहुत सारे लोगों ने वन दिया, दिया है और सबका गलत है तो ये पहला ही सवाल में आपका विकेट टक गिर चुका है तो कैसा लगा पहले ही क्वेश्चन में क्लीन बोल्ड होकर यानी कि अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेपोरेशन हमारी हंड्रेड परसेंट है प्रिपरेशन अभी और करने की जरूरत है है ना हर दिन इसीलिए मॉक टेस्ट में आना होता है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे ठीक है हाँ जी पास्ट कॉन्टिन्यूसड इन द टाइम क्लॉज दैट इज वाई टेंस बी चेंज टेंस वोंट चेंज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट वाइल शी वॉज कुकिंग ही वर्किंग ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर बताओ समझ में आया यस या नो फर्स्ट बॉल में ही विकेट गिर गया ठीक और हमने पकड़ लिया कैच क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सोच के आंसर देना द वेंडर इज सेलिंग अनियन ऑन अ कार्ट द वेंडर इज सेलिंग क्लियर नहीं दिख रहा है सेशन को बंद करके एक बार दोबारा से खोलिए सेशन को बंद करके दोबारा से खोलिए क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा आपको बताइए मुझे जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा इसका आर होना चाहिए टेंस टेंस इज सेलिंग कौन सा है प्रेजेंट तो आपका आंसर भी प्रेजेंट में होना चाहिए अब देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है वर बींग नो आर सोल्ड नो आर बींग सोल्ड ये आर सेलिंग येस लेकिन आपके पैसिव वॉइस में हमेशा बींग लगता है तो तो के साथ कोई शक चलिए अगला सवाल बताओ दोस्तों हिम्मत तो का कमॉन सब लोग मैंने देख रही हूं अभी तक सेशन को लाइक तक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिए एनवीएस की क्लास डेली होगी कि नहीं ये आप लोग को पता चल जाएगा कल तक पे मुझे आंसर बताइए जल्दी से इन इनकॉम का मतलब आपको पता क्या होता है Basically, एक piece of writing होती है इन इनकोमियम जो किसी की तारीफ करती है स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग जो किसी की तारीफ करे इन इनकॉमियम कहती है और बताओ बाकी वर्ड्स की मीनिंग तो पता है वर्ब का मतलब क्या होता है वीई आर वीई यूलॉजी आंसर बिल्कुल सही आया है यूलॉजी भी तो होती है किसी की तारीफ में लिखी गई हुई स्पीच है ना यूलॉजी कहलाती है फिर वर्व का मतलब क्या होता है एनर्जेटिक स्टाइल बिल्कुल एनर्जी से कोई काम करना वर्व कहलाता है ड्रॉगर्ड का मतलब क्या होता है किसी चीज का एकदम यू कैन से ह्यूमरस या फिर कॉमिक uh, वर्स है ना कॉमिक वर्स डॉजर्ड एक मतलब हसमुख कॉमिक मजेदार पोएम होती है फोर्स का मतलब सबको पता है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ठीक चलो अगला सवाल ये बताइए जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उस इंसान को क्या बोला जाता है बताइए जल्दी से क्या लग रहा है आंसर ओके लेट्स सी जल्दी जल्दी आंसर दो भाई सब लोग ऑल राइट ऑल राइट पेसिमिस्ट होना चाहिए बिल्कुल सही है किसी को सैडिस्ट तो नहीं लग रहा सैडिस्ट सैडिस्ट कौन होता है बताएंगे हमको कुछ लोगों को लग रहा होगा जो सैड रहते हैं उदास रहते हैं वो सैडिस्ट होते होंगे बट दिस इज रॉन्ग ऑप्टिमिस्ट होते हैं आशावादी पेसिमिस्ट होते हैं निराशावादी थेरापिस्ट होते हैं जो थेरेपी करते हैं और साडिस्ट होते हैं जिनको दूसरों को दुखी देख कर दूसरों को दुख पहुंचा के आनंद आता है प्लेजर आता है ठीक जिनको अच्छा लगे दूसरों को दुखी देखकर वो साडिस्ट होते हैं तो राइट आंसर इज स्पेसिस्ट क्लियर नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ क्या लग रहा है यहां पे देखूं जरा ऑल राइट ऑल राइट ओके कौन है काले दिल वाला आपसे मिस स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है मिस स्पेल्ट वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है रेस्टोरेंट लिखा है इज इट रेस्टोरेंट इट्स नॉट रेस्टोरेंट इट्स रेस्टो रेस्ट्रॉन होता है आर आर ई एस टी टी ए यू एन दिस इज द दिस इज रेस्टोर आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है सबको पता है रेस्टोरेंट होता क्या है ठीक चलो अगला सवाल

बताइए आंसर दीजिए सब लोग और कमेंट सेक्शन में बातें कम आंसर ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए वी डू नॉट हैव द एक्यूरेट फैक्ट एक्यूरेट का मतलब सटीक कोई चीज अगर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है सटीक है तो उसको हम एक्यूरेट बोलते हैं वी डू नॉट हैव द एक्यूरेट फैक्ट्स टू बी एबल टू टेक एनी डिसीजन इन द मैटर इंटेंस परफेक्ट एक्सट्रीम एक्यूरेट सटीक फैक्ट की बात हो रही है यहां पे एक्यूरेट फैक्ट ठीक जो चीज बिल्कुल सही हो सटीक हो राइट right. अगला सवाल देखिए पैरा जंबल का क्वेश्चन है आपके प्री लेवल में दो से तीन पैरा जंबल आएंगे ही आएंगे पक्का आने हैं तो इसलिए पैरा जंबल की प्रैक्टिस पैरा जंबल की प्रैक्टिस हो जाए सेकेंड्स में आंसर निकलता है प्रैक्टिस ना हो तो बैठे रह जाओगे एग्जाम में और टाइम निकल जाएगा बताइए चलिए आंसर आना शुरू हो गए हैं तो देख लीजिएगा स्पीड क्या है बाकी लोगों ने आंसर दे दिया है चलिए बताइए लेट्स बताओ भाई जल्दी से ओके ऑल राइट ऑल राइट वेरी गुड सी डी बी ए सी डी बी ए यहां पर आंसर आ रहा है ओके okay. सी से शुरुआत होगी अच्छा चलिए जरा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल से तो होगी नहीं

समझ में भी नहीं आ रहा है बात किस चीज की हो रही है कौन सी फैमिली कौन सी कंट्रीज आपको बी में बताया जा रहा है मिड -19 सेंचुरी से नवाब और राजास की पावर में कमी आना शुरू हुई है इसलिए बी पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर वन इज डी आंसर इतनी भयानक गलतियां करोगे बताओ इतनी भयानक गलतियां कर दोगे कैसे काम चलेगा ठीक चलो सबने आंसर आंसर चेंज हमने तो पहले ही आंसर देख लिए हैं सबके चलो द इजिप्शियन मोंगूस इज मेनली डैश ऑल दो इट्स समटाइम्स हार्ड ड्यूरिंग द डे व्हाट्स द आंसर कम ऑन एक बार सेशन को जरा लाइक करके आइए हमने आंसर दिव्या देख लिए थे सबके आई नो यू गाइज वेरी वेल जैसे ही गलत होता है सच से आंसर चेंज होते हैं लेकिन उसके पहले मैं सबके आंसर देख लेती हूँ ठीक बताओ Dash, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ऑल दो ऑल दो यानी कि आगे वाला स्टेटमेंट कंट्रास्टिंग होने वाला है इजिप्शियन मंगोस क्या है लेकिन कभी कभी वो हालांकि कभी कभी वो दिन में भी हंट करता है इससे मतलब ये निकला बेसिकली वो रात पसंद है उसको जिसको रात पसंद होती है वो चीज नॉकटर्नल होती है रिलेटेड टू नाइट समवन दैट इज एक्टिव इन नाइट ये चीज नॉकटर्नल बैट्स मॉन्गूस ये सब नॉकटर्नल होते हैं ठीक नॉकटर्नल तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर थ्री है ना एवारिश कौन होता है जो बहुत ही ज्यादा लालची होता है जिसको रुपया पैसे की लालच होती है वो एवारीश कहलाता है प्लायट का मतलब होता है जो चीज बहुत ईजिली बेंड हो जाए वो चीज प्लायट होती है ठीक चलो अगला सवाल देखिए आंसर बताइए फटाफट से डायरेक्शन देख कर आंसर देना मुझे सब लोग ठीक है एवरीवन। वन अकेजन एक्सटेसिव फॉर एन कंसी वॉट्स द आंसर Occasion की स्पेलिंग गलत है नो चलिए यस पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है वेरी गुड अब देखिए एक्सटेसी की स्पेलिंग ई सी एस टी ए एस वाई दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एक्सटेसी ई सी एस एस टी ए वाई बहुत एक्सट्रीम जो है खुशी उसको हम एक्सटेसी बोलते हैं ठीक अगला सवाल देखो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड डूइंग रॉन्ग कोई ऐसी चीज जो गलती ही ना करे उस चीज को क्या कहते हो आप जो गलती ना करे वो कौन होता है जरा सब लोग हमको बताओ गलती ना करने वाला कौन इंसान होता है जल्दी से फटाफट से आंसर दो यार कमऑन एवरी वन एवरी वन जल्दी से ठीक है Hmm. जिसमें कोई ना हो जिसमें कोई गलती ना हो वो इंसानबल in होता है है ना गलतियां नहीं निकलती है तो वो इनफॉलेबल इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं होता है इनफिडल कौन इंसान होता है पता है इन फिडल वो इंसान होता है गाइस जो मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं होता है है ना या फिर जो किसी थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है मानता नहीं है वो इंसान इनफिडल कहलाता है ठीक और एलिजिबल जो चीज किसी चीज के लिए एलिजिबल या फिर योग्य ना हो अयोग्य इन एलिजिबल होता है ठीक आंसर इज इनफॉलेबल राइट तारा चंबल बताइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट छोटे करने पड़ेंगे वरना आप लोग आंसर ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन पढ़िए हम फ़ॉन्ट छोटे कर रहे हैं छोटे क्या फैलाना पड़ेगा बताइए अब दिख रहा है ना पूरा आंसर दो कमॉन ंग देखिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि ये इट्स अ डिस्ट्रैक्शन आप इतने सारे जो चीजें कर रहे हो नजर स्टूडेंट्स की उस पर जाएंगी तो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा सो प्लीज ट्राई है ना कि आप नॉर्मली आंसर करिए मुझे आंसर वैसे भी दिख जाएगा विदाउट यूजिंग हार्थ प्लीज ट्राई करिए कि आप आंसर दीजिए क्योंकि आप आंसर कर रहे हो इट्स रियली गुड लेकिन नॉर्मल आंसर करो ठीक है ना चलो बाकी लोग आइए क्या हो जाएगा कोई अगर सी बी एस ई बोर्ड से है और क्योंकि मेरे क्लास मुझे लग रहा है कि क्लास नाइन्थ या टेंथ में ऐसा कुछ था ये चैप्टर था बुक में नाइन्थ या टेंथ में किताब में इंग्लिश की ये चैप्टर था है ना करी वाला बस उसी चैप्टर पे है ये चलिए कोई नहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हमें तो फिर करना पड़ेगा ब्लॉक है ना हम पहले प्यार से बोलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से क्योंकि आप लोगों के लिए ही सेशन है तो आई डोंट वांट टू ब्लॉक एनीवन लेकिन जब बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर से जाता है तो फिर पानी को नल खोल के बहाना पड़ता है ठीक चलो बताओ आंसर बीडीएसी सबने बोआ है बी मान लू चलो चेक करूं मैं क्योंकि गलत भी आप लोग देते हो आफ्टर दैट आफ्टर वॉट नहीं पता कांट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एवरी डे आई यूज टू टेक करी नाम लिखा है जहां पर भी किसी का नाम आ जाए वही होता है पहला स्टेटमेंट तो बाद बी पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर फोर इज आंसर कोई शक नहीं इसमें ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर है चलो अगला सवाल एस सी ओ आर एन स्कॉन कमॉन क्या हो जाएगा आंसर बताइए जल्दी से <laughs> आंसर बताइए देखूं जरा कौन इसका आंसर दे पाएगा लेट्स सी ओके ऑल राइट ऑल राइट चलो एडमिरीशन बिल्कुल सही। अब जिसने डायरेक्शन पढ़ा है आंसर वही कर पाएगा डायरेक्शन में लिखा हुआ है and, का मतलब होता है किसी से घरड़ा करना है ना जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है स्कॉन कहलाता है स्कॉन इज्जत ना करना पसंद ना करना पसंद करने को एडमिरेशन किसी चीज को लेके चाहना किसी को चाहना पसंद करना एडमिरीशन का मतलब क्या होता है बहुत ही बेकार खराब चीज चीज। great का मतलब बड़ा या फिर बहुत अमाउंट। इग्नोरेंट वो इंसान होता है जिसको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है इग्नोरेंट कहलाता है ठीक चलो अगला सवाल देखिए एम बी ग्यूटी पीपल क्या मतलब होता है एम का आंसर बताइए एम एलाबोरेट नो से प्रोटेस्ट या फिर ट्रांसपेरेंसी क्या आंसर होगा? सब लोग मुझे बताओ जल्दी से बिल्कुल एनडीए वाले पढ़ सकते हो इसमें वाली क्या बात है सेशन को लाइक करने के लिए कहना पड़ेगा आप लोगों को जल्दी से जाइए और सेशन को जरा लाइक करके आइए प्लीज मार्क यू अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन एज वेल क्या लग रहा है आंसर एम जब कोई चीज आप हो है ना आप श्योर नहीं हो किसी चीज को लेकर तो एम्बिग्यूटी सी एल एग्जामिनेशन की डेट्स में एम्बिग्यूटी है यानी कि sure कि आई एम नॉट श्योर का एग्जामिनेशन किस दिन होगा किसी चीज को एक्सप्लेन करना नॉर्मैलसी क्या चीज होती है नॉर्मैलसी होती है किसी चीज को uh, मतलब एज इट इज जो चीज नॉर्मल जिस तरीके से होती है वैसी ही प्रोटेस्ट का मतलब सबको पता है क्या होता है प्रोटेस्ट अपना धरना देना किसी चीज को अपोज करने के लिए जो धरना होता है वो प्रोटेस्ट कहलाता है ठीक तो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी एकदम कोई चीज क्लियर है सपाट है आप्युटी? क्लियर नहीं है कंफ्यूजन है ठीक एंटोनिम देना था अगला सवाल इज बॉर्न होमी आंसर बताइए मुझे जल्दी से बॉर्न होमी ऑन सब लोग क्या लग रहा है बॉन होमी का आंसर फ्रेंडलीनेस होना चाहिए एनडीए के लिए हेल्पफुल बहुत है चलिए बताइए ओके ओके बॉन होमी का मतलब होता है दोस्ताना चीज मैत्रीपूर्ण चीज दोस्ताना चीज है ना बॉन bon होमी कहलाता है फ्रेंडलीनेस रात का मतलब क्या है गाइस व्हाट डू यू ऑल मीन बाय रात ये जो यू कैन से जो क्रोध होता है गुस्सा होता है रात कहलाता है वेरी का मतलब आपको पता होगा एक इंटेंसिफायर की तरह वेरी यूज होता है और ग्रीड का मतलब लालच तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ठीक चलो अगला सवाल देखिए आइदर हेमा और रेश रमेश आर गोइंग टू द मैरिज जरा हमको जल्दी से आंसर बताइए क्या लग रहा है इसका एवरीबॉडी आइदर हेमा और रमेश आर गोइंग टू द मैरिज कम ऑन पीपल देखो जरा इसका आंसर कौन दे पाता है लेट्स सी ठीक चलो आइदर और के साथ कौन सी वर्ब लगती है पता है आइदर और के साथ हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट को अग्री करती है वर्ब एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही आंसर आया है अब देखो बाद में कौन सा सब्जेक्ट है नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के सबसे करीब है रमेश रमेश सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी इट शुड बी इज ऑप्शन नंबर वन ठीक चलो अगला सवाल बताओ अगला सवाल है आपका एक जबरदस्त क्लोज टेस्ट लास्ट में करें चलो अभी कर लेते हैं लास्ट में क्यों करोगे क्लोज टेस्ट क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन में से पांच बंधे हुए हैं क्लोज टेस्ट की पांच आने ही आने हैं कोई डाउट नहीं है इसमें तो क्यों ना इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए टारगेट इज फाइव आउट ऑफ फाइव लेट सी किसमें कितना है दम आ जाइए अपने अपने हथियार उठाइए और आंसर देना शुरू करिए फटाफट से कम ऑन एवरी वन जिसको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है सेशन को क्लोज करके दोबारा से खोल लीजिए एक्सक्यूज मी अप्रोचेस आंसर बताओ भाई सब लोग चलो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के साथ आपका जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए सारे ही प्लूरल है रिग्रेशन को छोड़कर प्रेफरेंसेस एडवांसेस अप्रोचेस यहां पे एडवांसेस होगा कुछ लोगों ने अप्रोचेस बताया है गाइस एडवांसेस होगा क्योंकि एडवांसेस का मतलब होता है किसी डेवलपमेंट में जो प्रोग्रेस होती है एडवांसेस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में अप्रोच नहीं होता है टेक्नोलॉजी में एडवांस होती हैं चीजें ठीक है ना प्रोग्रेस होती है सो इज द आंसर पहले क्वेश्चन में फिर से क्लीन बोल्ड मैक्सिमम लोग तो यहां पे क्लीन बोल्ड हुए हैं क्या आप क्लीन बोल्ड हुए हो ठीक है चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी से क्या लग रहा है सब लोग मुझे आंसर बताइए इसमें बोल्ड मत होना यार ठीक चलो जगराम बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम है बहुत ही सारे स्टूडेंट्स यहां पे हिंदी मीडियम है और उन्होंने प्रैक्टिस कर करके खुद की इंग्लिश स्ट्रांग करी है ठीक सो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे सेशन में आके इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी चलो ओके okay, ओके okay. ठीक चलिए अब देखो ब्लैंक नंबर टू का आंसर क्या हो जाएगा आई होप ये गलत ना हुआ हो वाइडली वाइडली दे आर वाइडली यूज कोई चीज अगर बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो वो वाइडली यूज होती है ऑप्शन नंबर फोर है ना बहुत ज्यादा यूज होना वाइडली यूज वेरी गुड अगला सवाल ब्लैंक नंबर थ्री कमॉन जल्दी से ब्लैंक नंबर थ्री गाइस देखो कौन आंसर देता है ब्लैंक नंबर थ्री का यार सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग सच में सेशन को एक बार लाइक करके आइए अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जल्दी से जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन गाइस कम ऑन चलो ओके okay, ओके okay. कल की पीडीएफ जिनको नहीं मिली है मतलब किसी को नहीं मिली है कल हम पीडीएफ ही देना भूल गए थे गाइस तो आज मैं ग्रुप के ऊपर पीडीएफ डाल दूंगी ठीक चलो ब्लैंक नंबर थ्री में क्या आएगा ध्यान से देना दूसरों का देखा देखी नहीं हार्डली हार्डली तो आना चाहिए हार्डली एनी स्फेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि कोई स्फेयर नहीं है हार्डली का मतलब होता है नॉट मैनी है ना नॉट मैनी मुश्किल से थोड़े से तो hardly any एनी स्वेयर होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन ठीक अब देखिए ब्लैक नंबर फोर बताइए ओके okay. आर्मी लवर्स यहाँ पे ये जो आपको मैं क्वेश्चन करा रही हूं ना सी एच एस एल वाला जरूर दिया करो रात में सीजीएल और सी एच एस एल के जो पेपर होते हैं ना आपके आर्मी क्लर्क में बहुत हेल्प करेंगे इंग्लिश में ठीक बताइए ब्लैंक नंबर फोर

ब्लैक नंबर फाइव एवरी वन कमॉन चला ही गया कोई बात नहीं आउट ऑफ फोर अपना स्कोर बताइए क्योंकि ये तो हमने ही दिखा दिया था चलिए गाइज आउट ऑफ फोर आपका स्कोर क्या रहा प्लीज लेट मी नो कोई बात नहीं अपना स्कोर मुझे आउट ऑफ फोर बताइए सब लोग एवरी वन क्योंकि गलती से हमने ही दिखा दिया है आंसर महान है हम नेक्स्ट इज नरेशन नरेशन दो क्वेश्चन वॉइस दो क्वेश्चन सीजीएल प्री में आने ही आने हैं यू कैन नॉट अवॉइड वेरी गुड कोस्ट गार्ड में भी हेल्प करेगी बताइए आंसर दीजिए इसका नरेशन में टेंस चेंज होता है याद रखना ठीक ओके okay. जल्दी से ओके okay. ऑप्शन नंबर थ्री जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है एक दूसरे देख कर तो अच्छा नहीं दे रहे हो किंग सेट टू दर्वेंट फूड ऑर्डर हो जाएगा टू कुक कुम समिशियस फूड टूडे की जगह दैट डे हो जाएगा तो किंग ऑर्डर टू कुक कुम समिशियस फूड दैट डे ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही है इजी था ये वाला राजेश्वरी हेल्प हर मदर टू बेक अ केक आंसर वॉइस का क्वेश्चन ओके okay, ओके okay. एक दूसरे से नहीं दिया है तो वेरी गुड आंसर बताओ देखू कौन आंसर देता है जल्दी से वेरी गुड Was होना चाहिए। राजेश्वरी simple past tense है तो में में होना चाहिए। इनमें से कोई भी भी नहीं नहीं है। है ये रहा आपका कभी होता द वर्ड बताइए एक्स पी डीएनसी गाइज एक्सपेंस कन्वीनियंस डिसएडवांटेज या फिर व्हाट्स द आंसर ऑन एक्सपेंस अच्छा ओके okay. एक्सपीरियंसी बोलते हैं गाइस सुविधाजनक अगर कोई चीज है 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 ना इमोरल है, है लेकिन कन्वीनियंट है आप लोग एक्सपीरियंसी चूज करते हो है ना अच्छी चीजों मतलब आप लोग क्या जितने भी ह्यूमंस हैं एक्सपीडियंसी चूज करते हैं मॉरल्स के जगह पे जो चीज उनके लिए आरामदायक हो भले ही वो गलत हो है ना पैसे भी कमाने हो तो उस सोर्स से कमाएंगे जो आरामदायक हो गलत भले हो ठीक तो आंसर है इसका कन्वीनियंस कन्वीनियंस ऑप्शन नंबर थ्री एल्ट्रोविज्म क्या होता है नेकता लोगों का भला करना इस का मतलब कीमत ठीक चलो अगला सवाल कॉन स्ट्रिक्ट के आंसर मुझे गलत दिखे थे एक्सपेंस दिया था बहुत सारे लोगों ने चलिए बताइए देखो क्या आंसर आता है ओके okay. डायलेट होना चाहिए अच्छा कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को नैरो बनाना किसी चीज को प्रेशर लगा के नीचे ढकेलना कॉन्स्ट्रिक्ट डे का मतलब हल्का होना डायलेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना वाइड करना या तो आप गहरा करोगे या तो आप वाइड करोगे गहरे का ऑपोजिट वाइडर होता है सो डायलेट इज आंसर ऑप्शन नंबर टू ठीक है ऑप्शन नंबर टू इज द आंसर डायलेट बिल्कुल सही है हाँ जी फैला देना वाइड करना ठीक समझ में आया डाउन साइज का मतलब होता है किसी के साइज को कम करना डाउन टर्न का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लाइन uh, करना इकोनॉमिक बिजनेस या फिर अदर एक्टिविटी में डिक्लाइन डाउन टर्न कहलाता है ठीक चलो वेयर आर अ हार्ट ऑन स्लीव ये ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज टू वेयर अ हार्ट ऑन स्लीव कमान देखिये कौन इसका आंसर देगा वॉइस हो रही है ऐसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है वो इंसान जो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ओपनली कहता है दैट पर्सन वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स है ना That person his heart on his sleeves, जो अपनी फीलिंग्स को एकदम सामने रखता है एकदम क्लियरली साफ साफ बोल देता है ऑप्शन नंबर आंसर एवरीबॉडी? एक बार सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ठीक क्योंकि आई कैन सी इतने से, मतलब एनर्जी लेवल बहुत डल है और हर बार का बोलना भी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज आई आप लोग को पता है आप लोग को पता है कि एनर्जी लेवल यहाँ पे आपका जरूरी है क्योंकि बिना ऐसे ढीले ढीले काम करोगे ना काम नहीं चल पाएगा फिर ढीले रहने से काम नहीं चलेगा क्लियर है चलो ओके okay. सीज़ सीज़ हो जाएगा seize का मतलब किसी चीज को क्या करना जब तक कर लेना और इसकी स्पेलिंग होती है एस ई आई जेडी एस ई आई जेडी सीज होता है ऑप्शन नंबर वन अगला सवाल देखो जल्दी से द सर्किट्स आर डैश विद ईच अदर एंड द मेन पावर सप्लाई बताओ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो मीनिंग सबको पता होगी सारे वर्ड्स की बट इट्स जस्ट कॉमन सेंस देखें जरा सर्किट क्या होते हैं सर्किट इंटरलिंग होंगे ना इंटरलिंग हो गए आपस में जुड़े हुए इंटरलिंग सर्किट्स आर इंटरलिंग विद ईच अदर क्योंकि विद ईच अदर हमको बता रहा है एक दूसरे के साथ और अगर साथ कोई चीज जुड़ी है तो वो इंटरलिंक होती है ठीक ईच अदर से इसको समझ में आ रहा है ये चीज चलो अगला इज अनदर पैरा जम्बल पैराजंबल बहुत चैलेंजिंग होता है सीजीएल के अंदर सीएचएसएल में तो बहुत इजी आते हैं लेकिन अगर आप सीएचएसएल सीजीएल दे रहे हो तो बहुत आपके लिए चैलेंजिंग होगा पाराजंगल तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा सीएचएसएल जो सीएचएसएल हैं, वो लोग भी बताइए जल्दी से देखू कौन आंसर देता है एवरी वन तुरंत सेकेंड्स में आंसर निकलेगा एक विलेज का नाम लिखा है देखो विलेज का नाम लिखा है तो पहला स्टेटमेंट वही होगा इंट्रोड्यूस किया है पालमपुर विलेज में 450 फैमिलीज हैं बिल्कुल सही वेरी गुड जिसने बी पहला स्टेटमेंट आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है बी ए डी सी ठीक एब्सोल्युटली करेक्ट नेक्स्ट देखिए अच्छा गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं है, मैम कौन सी बुक लें बुक परचेज करें ये हार्ड कॉपी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट मिल जाएगी इंग्लिश की स्मार्ट बुक्स जिसमें आपको टाइम भी गिवन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कितने लोगों ने स्किप किया है कितने लोगों ने करेक्ट किया इतना सिंपल सा क्वेश्चन है सोच लीजिए जो बहुत हार्ड वर्क करता है वो डिलीजेंट होता है इतने लोगों ने दस परसेंट ने स्किप भी कर दिया है ये क्वेश्चन ये भी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है अपने लेवल का आइडिया लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे ये बुक अवेलेबल है बोथ इन हिंदी एंड एन इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है हिंदी लैंग्वेज में भी है सारी किताबें ठीक चलो अगला सवाल नेक्स्ट वर्ड इज हेयर बताइए Accommodate की स्पेलिंग क्या होती है वॉट द स्पेलिंग ऑफ एक्मोडेट एकोमोडेट में डबल सी डबल एम ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई एक्मोडेट में डबल सी डबल एम आता है ठीक है चलो एक्सेप्ट द ये एक दियम है अगर नया ईडीएम है तो उसका स्टेटमेंट जरूर से फ्रेम कर लीजिएगा दिस इज जस्ट अ सजेशन क्योंकि फिर कभी भूलेगा नहीं ठीक बताओ आंसर बताइए गाइस इस सेशन की सोल्व पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप और कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में मैंने आप लोग को लिंक दे दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का एवरीवन यू ऑल कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री नोट्स सोल्ड पीडीएफ क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ सोल्यूशन भी लिखे होंगे पीडीएफ में ठीक है चलिए एक्सेप्ट द गटलेट का मतलब होता है चैलेंज को एक्सेप्ट करना चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज ठीक जोश से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चलो नेक्स्ट इज अ क्लोज टेस्ट नॉट क्लोज टेस्ट पैरा जंबल आंसर बताइए लेट्स सी कौन इसका आंसर दे पाता है बताइए भाई सब लोग ओके okay. आंसर आना शुरू हो गया है ऐसे ही आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन हम करवा ही इसीलिए रहे हैं कि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिले ठीक ओके पीपल सो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में यहां पर बात करी गई है तो इंट्रोडक्शन यहां पे हो रहा है बी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट

पेयरिंग करना सीखना है कहीं पर सेम चीज की बात हो रही है तो वो दोनों साथ में आएंगे ठीक चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन द यूरियन इज ऑन स्ट्राइक इन डैश ऑफ अ टेन परसेंट पे इंक्रीज बताइए आंसर ओके आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स चलो ध्यान से देखो द यूनियन इज ऑन स्ट्राइक इन परसुईट ऑफ परसूट ऑफ अ टेन परसेंट पे इंक्रीज परसूट का मतलब क्या होता है किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करना अपनी पे में दस परसेंट की बढ़ोतरी के लिए यूनियन धरने पर बैठ गया परसुईट मतलब किसी चीज को अचीव करना है ना इन परसुईट ऑफ अ टेन परसेंट हार ठीक चलो प्लेनरी वर्ड इज प्लेनरी आंसर बताइए रिस्ट्रिक्टेड मिसलीड कंप्लीट या फिर मिस्टीरियस कमॉन पीपल आंसर पीपल ओके। क्या लग रहा है आंसर मिस्टीरियस होना चाहिए प्लेनरी का मतलब क्या होता है और आंसर आपको बताना है ऑपोजिट बताना है अच्छा डायरेक्शन पढ़ना ही नहीं है पहली चीज जिन लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा है उनका गलत नहीं होगा क्या होता है प्लेनरी किसी मेंबर का मतलब एक चेरी से लाकिंग चीज है ना टू लैक समथिंग टू लैक समथिंग या फिर इनफैक्ट उल्टा ही मैं ही बोल रही हूं नॉट लाकिंग समथिंग किसी मेंबर या किसी चीज में कुछ लाख नहीं कर रहा है एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इसको हम प्लेनरी बोलते हैं और रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि बहुत कमी है कहीं पर लिमिटेड चीजें हैं रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं तो प्लेनरी का ऑपोजिट हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड ठीक है ऑप्शन नंबर टू प्लेनरी इज कंप्लीट जहां पर कुछ कमी नहीं है कुछ लाख नहीं है और रेस्ट्रिक्टेड इज जहां पर लिमिटेड चीजें हैं मैसिव इज द वर्ड आंसर बताओ फटाफट से ंग लिटिल ह्यूज वॉट्स द आंसर हां जी एक दूसरे का देखकर आंसर मत दिया करो गलत होंगे है ना बताइए कुछ लोग लिटिल बता रहे हैं कुछ लोग ह्यूज बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है डायरेक्शन नहीं पढ़ा है और हो ही नहीं सकता कुछ मैसेफ वाले लिटिल वाले लोगों डायरेक्शन में पूछा है मैसेफ का मतलब बहुत बड़ा ह्यूज बहुत बड़ा विशाल ह्यूज भयानक भयानक डरावना तो होता है सॉरी ठीक ह्यूज इस आंसर ऑप्शन नंबर थ्री फोर क्लियर चलो मुझे बताइए इसमें गलती क्या है सब लोग वॉट्स दी एरर इन दिस वन एंड एंड हिट द लाइक बटन वेल कैन वी ट्री हंड्रेड लाइक्स आप लोग से इतने डल हो कि बोलने का ही मन नहीं कर रहा बट ट्राई एंड लाइक द बटन लमसम का मतलब होता है एक साथ जो अमाउंट होता है सत्यम लमसम कहते हैं नो एरर अच्छा ओके None of them has initiated any action against him कोई भी गलती इसमें नहीं है कोई गलती नहीं है बिल्कुल सही है सो ऑप्शन नंबर डी नो एरर ठीक चलो आगे देखो इट्स अ क्लोज टेस्ट सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस वन पिछले में तो चलो चार ही क्वेश्चन कर पाए थे मौका है आपके पास मौका भी है दस्तूर भी है तो क्यों ना एकदम चौका मार दिया जाए इस टेस्ट में तैयार हो हाँ जी नन के बाद नन ऑफ के बाद सिंगलर प्लूरल दोनों लगते हैं आर यू गाइज रेडी जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख देना चाहिए रेडी 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 मुझे दिखना चाहिए एनर्जी लेवल क्या है आर यू गाइज रेडी चलो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आप बताइए बिल्कुल ध्यान से बातें करना बंद सिर्फ ध्यान दो आंसर पे बताइए बैंक का मतलब किनारा और बैंक ऑफ रिवर बैंक ऑफ रिवर के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल होता है हाँ जी ऑन द बैंक ऑफ रिवर होता है बैंक का मतलब किनारा समुद्री वाला किनारा पैसा सबमिट करने वाला बैंक नहीं ऑन इस्तेमाल होगा इन वाले लोग आपका आंसर बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर टू ठीक क्वेश्चन नंबर टू देखिए और हमें आंसर बताइए जरा सब लोग जल्दी जल्दी से क्या होगा देखूं कौन आंसर देता है यहां पे सब लोग एवरी आंसर बताओ Okay. all right. Blank नंबर 2 ये तो ग्रामर रिलेटेड है बहुत सिंपल सा है क्या होना चाहिए यहां पे? वॉज होना चाहिए पास्ट टेंस में चल रहा है ना वॉज वॉज इट वॉज कमिश सिंपल पास टेंस क्योंकि बीती हुई बात है पास पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है तो वॉस के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता पॉइंट नंबर थ्री बताइए जल्दी से मुझे सभी लोग पॉइंट नंबर थ्री गाइज जल्दी जल्दी से एवरीबरी वॉट्स दी राइट आंसर

का मतलब है रूंड बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने यहाँ पे रेंड बोला है ऑप्शन नंबर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लांक नंबर फोर कमॉन जल्दी से ब्लांक नंबर फोर एंड गाइड ट्वेंटी सिक्स लाइक रिमेनिंग है थ्री हंड्रेड लाइक्स तीन सौ लोग हो लेकिन थ्री हंड्रेड लाइक्स नहीं हुए हैं अभी तक तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो सेशन को जाकर लाइक like करके आओ फटाफट से एवरीबरी कमॉन जल्दी से जाइए और लाइक करके आइए हिमसेल्फ पक्का वेरी गुड बिल्कुल सही है शाहजहां हूं हिमसेल्फ इसके लिए लग रहा है ना इनके लिए लग रहा है शाहजहां हूं हिमसेल्फ ठीक चलो आखिरी ब्लैंक है ब्लैंक नंबर फाइव सोच समझ के आंसर देना लास्ट ब्लैंक सिंबल पीस, या फिर काउंटर पीस वॉट्स दी आंसर बताइए सब लोग देखू कौन देता है यहां पे सही आंसर मोजलियम होना चाहिए अच्छा तो पहले गाइज मॉजोलियम वो प्लेस होती है जहां पे किसी फेमस इंसान की वो रखी होती है ग्रेव वगैरह होती है उसको हम मोजोलियम बोलते हैं ठीक सिंबल का मतलब सबको पता है मास्टरपीस क्या होती है मास्टरपीस एक बहुत ही गजब की पेंटिंग कोई बहुत ही गजब की फिल्म एक्सट्रीम गुड क्वालिटी फिल्म है पेंटिंग है कोई आर्टवर्क है और काउंटर पीस का मतलब क्या होता है काउंटर पीस का मतलब बताइए सॉरी सेंटर पीस इट्स नॉट काउंटर पीस कोई चीज बीच में अगर है तो वो सेंटर पीस कहलाता है क्या सोच के आप लोगों ने मोजोलियम यहां पे आंसर दिया है सबका गया आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटर पीस टॉम्ब इज द सेंटर पीस ऑफ सेवनटीन हेक्टेयर कॉम्प्लेक्स बीच में टॉम tom, टूम्ब है वहां पे हांजी तो आंसर बताइए भाई बताओ भाई कैसा लगा मजा आया बहुत ही गजब का था आपका ये वाला क्लोज टेस्ट लेवल बिल्कुल अप्रोप्रिएट था जैसा आपका आने वाला है आपके आने वाले सी सीजीएल सी जी एल एग्जामिनेशन में ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मैंने लिंक आप लोग को दे दिया है इन द कमेंट सेक्शन ठीक चार पांच नंबर सही है लेकिन ये जो दो तीन नंबर जिसके आ रहे हैं ना गड़बड़ है भाई सीजीएल निकालने में बहुत मुश्किल होने वाली है बस जितने भी लोग यहाँ पर हो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए फिर चलते हैं जरूरी बातें कर लेते हैं तो इस टाइम गाइज़ आपकी गोल्डन गुडबाय सेल चल रही है टेस्ट बुक की और अभी नहीं तो कभी नहीं 28 तारीख तक आपके पास टाइम है क्योंकि आपको एक साल के टेस्ट बुक पास के साथ डेढ़ मतलब 6 महीने का टेस्ट बुक पास फ्री मिल रहा है एक टेस्ट बुक पास के अंदर आपके कितने अराउंड 480 एटी प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट होते हैं और बिना हर दिन मॉक टेस्ट दिए आप कभी भी एग्जाम मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी का क्लियर होता भी है क्योंकि बिना मॉक टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेवल क्या है पेपर कैसा आता है कितनी तैयारी और करनी है आपके वीक क्या है। ठीक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप सिंपली उस पर क्लिक करके ले सकते हो मेरा कोड ए एन एस पास जब आप यूज करेंगे ना तो इस पे भी टेन परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा और पास आपको सिर्फ मिलेगा थ्री सिक्सटी का तरीका मैं आपको बता देती हूँ मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिए गेट टू नो किस तरीके से यूज करना है कोड को ठीक ये आपको वीडियो दिख रही है ठीक वीडियो दिख रही है आपको क्या करना है नीचे आना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसी को क्लिक करना है कर लिया आप पहुंच जाओगे टेक्स्ट बुक पास के पेज पे फोर एटी प्लस एग्जाम्स कवर्ड हैं पैतीस हजार मॉक टेस्ट हैं दस हजार प्रीवियस पेपर हैं ठीक मंथली सब्सक्रिप्शन टू नाइन नाइन ये 399 एक साल का सब्सक्रिप्शन है लेकिन इस टाइम को आपको 18 मंथ्स का मिल रहा है सिर्फ 28 तक और लाइफटाइम पास 599 का राइट हैंड साइड पे अप्लाई कूपन का जो आ रहा है उसको क्लिक करिए यहाँ पे मेरा कोड डाल दीजिए ans pass ans p a -S, s जब आप ये डाल के अप्लाई करोगे ना ये कोड और डिस्काउंट मिल जाएगा 360 का हो जाएगा आपका गोल्डन टिकट 540 का लाइफटाइम यानी कि 3 साल का थली लेने का कोई फायदा है नहीं वैसे वैसे आप आपकी जो मर्जी है इतने स्टूडेंट्स थर्टीन पॉइंट लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं बुक पास तो आपको इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है कि ये है इंपॉर्टेंस बिना पास के बिना मॉक टेस्ट सॉल्व किए आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है जो भी आपको लेना है सेलेक्ट करिए नीचे आ जाइए और बाय पे क्लिक कर दीजिए ठीक यहाँ पे फोन नंबर आपको डालना होगा ईमेल एड्रेस पड़ा होगा एंड यू कैन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन ठीक टेस्ट बुक पास लेकर रखने का गाइस कोई मतलब नहीं होता है आपको टेस्ट बुक पास अगर ले लिया है तो टेस्ट बुक पास को लेकर हर दिन मॉक टेस्ट दीजिए और मुझे पता चले मुझे रियलाइज हो कि आप लोग सच में दे रहे हो मॉक टेस्ट उसके लिए स्क्रीन लेकर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिएगा डिस्कशन ग्रुप में ठीक सो दैट आई कैन वॉच योर प्रोग्रेस आई कैन कीप अ वॉच ऑन योर प्रोग्रेस ठीक तो गाइस ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम जिसका लिंक भी मैंने आपको दिया है पहली क्लास सुबह होती है मेरी नाइन एम पे दूसरी होती है क्लास थ्री पी पे और तीसरी क्लास होती है रात के दस बजे ये तीनों क्लासेस आपके लिए फ्री है ठीक इन्हीं के सोल्ड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलते हैं और अगर आपको टेस्ट बुक पे कोई बैच लेना है तो यू ऑल कैन यूज माय कूपन कोड ए ट्वेंटी हर बैच के ऊपर आपको सैंतीस परसेंट तक का डिस्काउंट मिल सकता है बस कोई मास्टर क्लास देख लो और मास्टर क्लास देखने के बाद पेमेंट करिए ये कोड लगा के अदरवाइज ट्वेंटी परसेंट तो मिलता ही मिलता है ठीक तो चलिए सी यू ऑल टेक केयर बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे बाय गाइस